नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुष्कर सिंघा में सरकार की पहली कैबिनेट में बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 7 प्रस्ताव और 6 संकल्प पारित किए गए। सरकार ने विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों को भरने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा अति शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, अब फिर से संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय भी लिया गया है। सूबे में मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब नौकरशाही में भी बड़े बदलाव होंगे, जिसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ हो चुकी है। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्य सचिव ओम प्रकाश की जगह सुखबीर सिंह संधु को मुख्य सचिव बनाया जाएगा। सुखबीर सिंह को सोमवार को केंद्र से कार्यमुक्त कर दिया गया था। जल्द ही SS संधु की ताजपोशी के आदेश जारी हो सकते हैं। सुखबीर सिंह संधु आपको बता दें कि ISS रह चुके और वह मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के अफसर भी हैं। संधु पहले भी उत्तराखंड सरकार में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश को 4.5 सालों में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसमें एक थका हुआ, दूसरा संवैधानिक संकट में फंसा हुआ और अब तीसरा अनुभवहीन है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री के कारण भाजपा में उपजे असंतोष और राजनीतिक उठापटक से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यह सब भाजपा के कुकर्मों का फल है जो उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन से असंतुष्ट भाजपा विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क हैं। यह दावा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने किया है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही भाजपा विधायकों के पार्टी में शामिल होने की खबर देंगे। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन से भाजपा के अंदर जिस तरह का असंतोष चल रहा है, उससे भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में हैं। जल्द ही पार्टी इसकी खबर सबको देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में प्रदेश की सियासत में नए राजनीति समीकरण भी बन रहे हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और आपके बीच होगा। वहीं उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और स्कूल अभी भी अगले आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारिक संगठन और अपने हिसाब से एक दिन की साप्ताहिक बंदी कर सकेंगे। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। वहीं चमोली जिले के जोशीमठ के ऋषि गंगा घाट स्थित रैडी गांव के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को प्रदेश सरकार सुभाई गांव की जमीन में विस्थापित करेगी। सरकार के इस फैसले के बाद से ग्रामीण नाराज हैं। सुभाई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पहले ही 2 गांवों के विस्थापित लोगों को अपनी जमीनों पर बसा चुका है। ऐसे में और लोगों के आने से गांव की जमीन खत्म हो जाएगी। खुद सुभाई गांव की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में वो लोग कहां जाएंगे? अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो 2022 चुनाव का गांव के लोग बहिष्कार करेंगे। रेणी गांव को पुनर्स्थापन करना अति आवश्यक है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन सुभाई गांव जो पहले से ही यहां पे 2 गांव को शरण दे चुके हैं, तो फिर से एक गांव को और बसाना, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ की जनसंख्या घनी आबादी से घिरी हुई है और क्षेत्र के अगल बगल में भूस्खलन वाली स्थान है और छोटा सा यह गांव और छोटा सा जंगल, यहाँ पे न चारे की व्यवस्था हो पाएगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण, ज़्यादा जनसंख्या आने के कारण यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का पॉपुलेशन बढ़ सकता है, और जिससे ग्रामीण, जिससे गाँव वाले इसका पूर्ण विरोध कर।
रुद्रप्रयाग जिले के रतूड़ा में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार कर्णप्रयाग से देहरादून प्रेमनगर की ओर जा रही थी, तभी अचानक पुलिस लाइन रतूड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने से कार में सवार 6 लोगों में एक महिला और बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके 5 लोगों को निकाल लिया है, लेकिन अभी तक कार ड्राइवर लापता है जिसकी खोज की जा रही है। बीते 29 जून को भट्टा स्वामी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 7 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 2 तमंचे, खोखे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दो मामले में जो है प्रकरण हुई, ये जो है 29/6/2021 को जो गांव कुमराड़ा में जो ईंट पट्टे का मालिक श्री राजे माली की जो हत्या हुई थी, उस पर 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो है बेसिकली जिसका ज़मीन से ईंट का भट्टे चला रहा था, उनका और उनका रिश्तेदार दोनों मिल के इनको समाप्त करके जो है ईंट भट्टे को कब्जा करने का साजिश में जो है इनको ऊपर हमला किया है। इसमें 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनका जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 2 तमंचा मय कार। वहीं लक्सर राजस्व प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। राजस्व प्रशासन ने पिछले 1 हफ्ते में 3 बार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। लगातार हो रही कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 वाहन सीज कर दिए हैं। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अवैध खनन चरम सीमा पर है। खनन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीती रात भी राजस्व प्रशासन ने 4 वाहनों को सीज किया है। भी अवैध खनन और उसके परिवहन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 30 जून के बाद वैसे भी जो खनन की एक्टिविटी है वो बंद हो चुकी है। केवल जो स्टॉक और भंडारण वही जो है माल निकल सकता है, लेकिन अधिकांश यहाँ पर जो माल है वो बाहरी क्षेत्रों से आ रहा है और इस रास्ते जो है आगे निकल रहा है। ये इस क्षेत्र में एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।